बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। उसके गांव में देखो ना, छाले पड़ गए थे, ये माहौल पूरे खराब हो गए थे। फिर भी लेकिन फिर भी पैदल चल रहे हो। अपने आप ठीक हो गया, बाबा ने करवाया। ये गांव देख लो, ओहो ये दवाई लगा रखी है। ओहो देखो बाबा। वेलकम बैक टू माय चैनल मोहन सिंह समेल। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बाबा के भक्त जो पैदल आते हुए अब इस पेड़ को देखते हुए थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। और तो हम इनसे इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि आप कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं। जय बाबा ऋषा। बाबा जी क्या नाम है आप? हर्षी पटेल। हरि सिंह जी पटेल जी साहब, कहाँ से बता रहे हो? डबल चौकी कटाइया, जिला इंदौर, देवास। जिला देवास, एमपी। एमपी जिला देवास, एमपी। अच्छा अच्छा, तो कितना दूर है यहाँ से? 1200 किलोमीटर। इतना दूर उज्जैन से आगे क्या? अच्छा अच्छा, इतना दूर है। तो उज्जैन से मतलब कितना दूर आगे? उज्जैन से देवास। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ से आप पैदल आ रहे हो या कुछ बस में? यार कोई लिफ्ट विफ्ट मांगी? कोई लिफ्ट विफ्ट मांगी? आज तक 15 साल है बाबा के। 15वीं यात्रा। ओहो पटेल साहब की जय हो। पटेल साहब बाबा के प्रति इतनी आस्था है कि लगातार 15 साल से 1200 किलोमीटर पैदल चलकर पूछते हैं राम देवरा। तो बाबा के प्रति ऐसी आस्था कैसे जगी? बाबा ने जगा दिया। अच्छा, क्या कुछ बाबा ने कुछ चमत्कार किया आपके साथ, जोरदार विश्वास हो गया? वो सब बाबा के चमत्कार ही है सब। अच्छा अच्छा, नहीं तो बाबा के लोग एक बार आते हैं दो बार तो मनोकामना पूरी होते हैं रुक जाते हैं। तो आप तो लगाते 15 साल आ रहे, उसका कारण क्या? आखिर मन्नत है बाबा की। अच्छा, क्या चमत्कार किया? अच्छा अच्छा, अच्छा मतलब कोई प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गया। तो इस बार आपकी कौन सी यात्रा है? 15वीं। ये 2023 चल रहा है, इस बार कैसा माहौल लग रहा है, कैसा है बाबा के प्रति? भंडारा ने सब लग रहे हैं? और कलयुग में भी मतलब दान पुण्य वाले भंडारा लोग वाला लगाने वाले हैं? खूब भंडारा भैया, दान पुण्य वाले धनी सेठ भी है। अच्छा अच्छा, बाबा भला करे उनको और खूब दे। नहीं तो क्या कहना चाहते हो बाबा रामदेव प्रति? दुखे पड़ी जो भी कोई व्यक्ति है यदि मुसीबत में, दूर करे बाबा और क्या। अच्छा 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 अच्छा, भक्तों का कहना है कि आपकी कोई समस्या है यदि आप पूरा आस्था के पास बाबा रामदेव जाओ तो बाबा जरूर सुनता है। ये ऐसा कलयुग में ऐसा एक ही देवता है। ओहो जय हो। अच्छा ऐसा क्या बात है, मतलब बाबा के चमत्कार इस कलयुग में अभी भी जारी है। मतलब आज से 600 वर्ष हो गए, 1200 में आए हो, कब आए वो? हाँ नहीं, वो बाबा रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? 500-600 साल पहले हुआ था, लेकिन अब तक लोग चमत्कार चल रहा है उनका। अच्छा अच्छा, सैकड़ों हजारों लाखों में बाबा का चमत्कार आ रहे हैं। अनगन उनके नाम पे कोई चमत्कार होगा तभी तो ये चल के आ रहे हैं। किसी के पाँव में छाले हैं, किसी के पाँव में दर्द है, क्या बात, सहन करते हुए जा रहे हैं वहाँ पे, क्यों जा रहे हैं भाई? उन्होंने कुछ चमत्कार देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। उसके पाँव में देखो ना, छाले पड़ गए थे, ये माहौल पूरे खराब हो गए थे। फिर भी लेकिन फिर भी पैदल चल रहे हो? अपने आप ठीक हो गया, बाबा ने करवाया। ये गांव देख लो, ओहो ये दवाई लगा रखी है। ओहो देखो बाबा के भक्तों के पास साले हो चुके हैं लेकिन फिर भी बाबा के प्रति जोरदार आस्था है, वो चल रहे हैं। बाबा दुख नहीं आने देता है यार, उसमें तो इतनी ताकत, आपको चलोगे? ओहो ये काटता है। ओहो बाबा के, अरे क्या यात्रा कर रहे हैं बाबा की, चमत्कार नहीं जाएगी हमारे कैसे चल रही है? ये भी इस उम्र में चल रहे हो पैदल पैदल? चलो चलो, मतलब सनातन धर्म की जय हो, बोलो रामा पीर की जय, बोलो रुलेजा दरबार की जय, जय हो बाबा री, जय बाबा री।